एक्सीडेंट होता है ना तो उसकी वजह से गला पूरा अलग हो जाता है। गला पूरा अलग, हाँ, मांझे की वजह से गला पूरा अलग। नमस्ते एवरीवन, मैं नाम मोहित चौहान, मैं कर रहा हूँ 75 हार्ड साइकिलिंग चैलेंज दिल्ली टू कन्याकुमारी और आज मेरा दिन है 12। और भाई आज रात की बात करें तो भाई रात तुम्हारे भाई ने कैंप लगाया था क्योंकि भाई कहीं पे स्टे करने की जगह नहीं मिली तो फिर उसकी वजह से मुझे कैंप लगाना पड़ गया था। वैसे मुझे परमिशन ली थी यहाँ पे, जो ये सामने होटल देख रहे हो यहाँ पे पहले मैंने परमिशन ली थी, फिर उसके बाद मैंने यहाँ पे टेंट लगा लिया था और शेरनी को बाहर खड़ा कर दिया था। शेरनी को बहुत अच्छे तरीके से भाई लॉक किया था ताकि भाई शेरनी को कोई उठा के ना ले जाए, ऐसा नहीं चलेगा बिल्कुल भी क्योंकि भाई रिस्क बिल्कुल नहीं चाहिए। और सबसे बड़ी बात यह है भाई रात के टाइम में सही बताऊँ तो नींद बहुत ज़्यादा लेट आई क्योंकि भाई 10-12 बंदे यहाँ पे सामने बैठ के बातचीत कर रहे थे तो इस वजह से मुझे नींद नहीं आई। कुछ सहने का भी डर लग रहा था कभी कोई उठा के ले जाए, पर मैं जगह रहा। फिर उसके बाद जब मैं चले गए तब मैं आराम से सोया, फिर 5-6 बजे मेरी आँख खुल गई थी, फिर एडिटिंग वगैरह करी, अब जाके उठाऊँ। तो अब निकलने की तैयारी करते हैं, जितनी जल्दी से पैक करूँगा उतनी जल्दी निकला जाएगा क्योंकि भाई दोपहर के टाइम यहाँ पे गर्मी होने लगती है क्योंकि गुजरात में हम और गुजरात में सर्दी का तो सवाल पता नहीं है। अभी भी देख लो मैं हाफ टी शर्ट में बैठा हूँ तो आप देख सकते हो कितनी ठंड होगी यहाँ पे। कुछ ज़्यादा ठंड नहीं है, थोड़ी बहुत रात के टाइम ठंड थी, बल्कि दिन में कोई इतनी ठंड है, दिन में तो बिल्कुल भी ठंड नहीं होती बिल्कुल भी। बस ऐसे ही हाफ टी शर्ट में आपको यहाँ पे लोग दिखेंगे। तो भाई लोग आज हमें जाना है सूरत। सूरत यहाँ से तकरीबन 80 के आसपास है, 80-85 किलोमीटर के आसपास है, तो आज वो तो आराम से कवर कर लेंगे। तुम्हारा भाई तुम्हें पता है कितनी साइकिलिंग करता है। और उसके बाद मुंबई पहुंचने में हमें 3 दिन लग जाएंगे क्योंकि यहाँ से अभी 350 किलोमीटर दूर है ना, तो 2 दिन और बीच में और फिर हम पहुंच जाएंगे मुंबई। तो भाई लोग यहाँ की शक्कर और गुड़ देखते हैं भाई इसमें कैसी मिठास है क्योंकि भाई हमारे शामली के तो भाई फेमस है। ओ मुजफ्फरनगर में कहाँ था भाई? बगरा। अरे वाह, बड़ी दूर आए भाई। बगरे बाद में आते ना जलालपुर है। अच्छा अच्छा अच्छा, गुड़ बनाना है मतलब कि यहाँ वैसा है अपना ही है या कैसा? वो तो कुंटलों पे लग रहे हैं यहाँ, मालिक दूसरा है। अच्छा मालिक दूसरा है। पकाई मारे यहाँ। अच्छा अच्छा अच्छा, बड़ी दूर से आ रहे भाई क्योंकि भाई हमारे वहाँ ना गुड़ का काम सबसे ज़्यादा है क्योंकि भाई गन्ना सबसे ज़्यादा उस साइड ही होगा तो उधर के लोग ही इधर आ गए भाई, कोल्लू वगैरह चलावे। तो भाई लोग सूरत रह गए यहाँ से तकरीबन 45-50 किलोमीटर मैंने वैसे ही कवर कर दिया। अब वहाँ जाके पता लगेगा टोटल कितना होता है। अब बीच में रुका हूँ, रेस्ट लेना पड़ता है भाई क्योंकि धूप बहुत ज़्यादा है भाई, बहुत ज़्यादा, जिसे कहना कोई तोड़ नहीं। ऐसी गर्मी फिलहाल हो रही है यहाँ पे जैसी हमारे वहाँ पे जून में होती है, ऐसी गर्मी हो रखी है इस टाइम। जैसे ही राजस्थान से निकल के गुजरात में एंटर हुआ ना भाई, गर्मी स्टार्ट हो गई है, सर्दी का कोई नामो निशान नहीं है यहाँ। दिसंबर जाने वाला है और भाई जनवरी आने वाली है और यहाँ पे ठंड का कुछ ज़्यादा पता नहीं है। तो यहाँ पे तो भाई 12 महीने ठंड ऐसे ही रहे, मतलब गर्मी ऐसे ही रहती है, ठंड नहीं होती यहाँ पे। ऐसे ही देखो आप बाजू में बैठा हूँ और भाई पंखा चल रहा है, ऊपर पंखा चल रहा है, इतनी गर्मी है अब देख सकते हो भाई। अब बैठ कर खाना खा रहा हूँ, फिर उसके बाद अपनी यात्रा स्टार्ट होगी। बीच बीच में रेस्ट लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, अगर कंटिन्यू साइकिलिंग करता रहूँगा फिर तो तुम्हारा भाई बीच में लटक जाएगा कहीं पर, क्योंकि भाई खाने पीने पर बहुत ज़्यादा ध्यान देना पड़ रहा है। अगर खाने पीने में चूक होगी ना, टास्क कंप्लीट नहीं होगा, तो खाने पीने पे अब की बार तुम्हारा भाई बहुत ज़्यादा फोकस करके चल रहा है। जब भी भूख लगती है थोड़ी बहुत तभी रुक जाता हूँ भाई, खा के तभी निकलता हूँ। तुम्हारा भाई लस्सी के 2 गिलास पी गया भाई, चावल पसंद नहीं है तो चावल खा ही नहीं रहा हूँ। एक और छाछ भाई, क्योंकि भाई भूख बहुत ज़्यादा तेज लग रही है, ऊपर से बहुत ज़्यादा है ना, तो भाई साहब लस्सी पीने का मन कर रहा है बहुत ज़्यादा। 3rd गिलास आ गया। तो भाई लोग सूरत रह गए यहाँ से 10 किलोमीटर तो, और अब बजे हैं शाम के 4:30 और 4:30 बजे तुम्हारे भाई सूरत
साढ़े चार से पाँच बजे तुम्हारा भाई सूरत पहुंच जाएगा। सूरत में कोई बड़ी ऐसी जगह जाएंगे, वहाँ घूमेंगे, फिर उसके बाद स्टे का देखेंगे रात के टाइम। अभी तो थोड़ा सा घूमना है सूरत में, फिर कभी आए या ना आ पाए कुछ पता नहीं, तो जितना हो सकता है उतना कवर करेंगे सूरत में। तो भाई लोग सूरत तो पहुंच गए हैं, पर तुम्हारे भाई की आते आते सूरत खराब होगी सूरत में। वैसे सूरत ना बहुत खूबसूरत शहर है भाई, ऊंची ऊंची बिल्डिंग, और भाई तुम्हारा भाई इस टाइम फ्लाई ओवर पर खड़ा और ऊंची ऊंची जो बिल्डिंग है उन्हें देख रहा है यहाँ से। अब आगे जाएंगे, कुछ एक दो यहाँ की स्पेशल जो जगह होगी जो फेमस होगी वहाँ जाके उसे देखेंगे, फिर उसके बाद कहीं स्टे का देखते हैं कहाँ स्टे मिलेगा आज की रात। कुछ पता नहीं बीच स्टे कहाँ होगा कहाँ नहीं, पेट्रोल पंप पर भी सोना पड़ सकता है, कुछ नहीं पता, अपना कोई तो और ठिकाना है कुछ नहीं है। चलते हुए राहगीर हम, कहीं जगह मिलगी ठीक, कहीं नहीं मिली तो चलते रहेंगे, क्या दिक्कत है, हमें तो सब कुछ ले रखा, अपना झोला साथ में है। तो भाई लोग पतंग के उससे मांझे से बचने के लिए ये लगवाते हैं यहाँ पे सूरत में, मैंने तो पहली बार देखा है यहाँ पे। क्योंकि ना भारत में सबसे ज़्यादा ना जो पतंगे उड़ती है ना वो गुजरात में सबसे ज़्यादा, तो गुजरात का जितना भी शहर है ना सिटी सबको चलता है, सब जगह में ज़्यादातर पतंग लगती है। सही है, अंदर जल्दी नहीं, जितना एक्सीडेंट होता है ना तो उसकी वजह से गला पूरा अलग हो जाता है, गला पूरा अलग। तो भाई लोग तुम्हारे भाई को मिल गया स्टे, ये मंदिर है, मंदिर के गेस्ट हाउस बने हुए हैं, तो यहाँ पे मुझे स्टे मिल गया, तो कोई ज़्यादा दिक्कत परेशानी वाली बात नहीं, और खाने का बंदोबस्त भी हो गया था यहीं पे। और एक और बात बताऊँ, तुम्हारा भाई आज ना लिया, क्योंकि भाई तुम्हें भी पता है कि एक एक दो दो दिन हो जाए भाई बिना नहाए, तो कल नहीं आया, परसों आया था दीदी के वहाँ से जब आया था तो नहाया तुम्हारा भाई आते ही, क्योंकि भाई फिर पता नहीं कहाँ नहाना होगा कहाँ नहीं होगा या नहीं भी होगा, तो इस वजह से तो मैं नहा लिया। और अब आज बात करते, तुम्हारे भाई ने आज साइकिलिंग की है भाई 70 किलोमीटर, तो भाई यहाँ 70 किलोमीटर मैंने साइकिलिंग किया, तो टोटल हो गया मेरा 12 दिन का 1374 किलोमीटर। तो भाई 12 दिन में तुम्हारा भाई चला है 1374 किलोमीटर। तो भाई अपने भाई को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करो, लाइक करो, कमेंट करो, अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करो। और हाँ, मुंबई अब 2 दिन बाद मैं पहुंच जाऊंगा, नींद भी बहुत आ रही है यार, क्योंकि भाई पूरा दिन हो जाए साइकिलिंग करते, फिर एडिटिंग, सबसे ज़्यादा दिमाग ख़राब होता है एडिटिंग में भाई, 5 से 6 घंटे लग जाते हैं मेरे एडिटिंग में भाई, व्लॉग अलग से अपलोड करता हूँ, शॉर्ट्स अलग से अपलोड करता हूँ। तुम्हारा भाई बहुत मेहनत कर रहा है सच में, बहुत। तो ठीक है गाइस, इस व्लॉग को तो यहीं पेंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद जय भारत।